टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे राग यमन। राग यमन में कौन कौन से स्वर लगते हैं, इसके आरोह इसके अवरोह क्या हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के बाजू में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाला हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। राग यमन। देखिए बैंजो का हमारा जो सा है, हमने जिसको सा बनाया है, एक दो तीन चार पाँच छः सातवें बटन को हमने सा बनाया है। तो यहाँ से राग यमन बजाना है और उसमें कौन कौन सा सुर लगता है आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ पाएंगे। तो देखिए ये हमारा सा है, सा रे ड म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो राग यमन में देखिए इसमें तमाम सुर जो हैं सब तमाम सुर इसमें शुद्ध लगते हैं, केवल माँ को छोड़ के माँ जो है इसमें तीव्र स्वर लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सा है, इसके बाद शुद्ध रे, इसके बाद शुद्ध गा, इसके बाद तीव्र माँ, इसके बाद प, इसके बाद शुद्ध ध, इसके बाद शुद्ध नी, इसके बाद तार सप्तक का स। ये हुआ आपका आरोह। आरोह को फिर से देखिए, स शुद्ध रे शुद्ध ग तीव्र म प शुद्ध ध शुद्ध नी सा सा शुद्ध रे शुद्ध गा तीव्र मा पा शुद्ध धा शुद्ध नी तार सप्तक का सा। ये हुआ आपका आरोह। अब इसका अवरोह यानी उल्टा इसी सुर को आपको बजाना है, तार सप्तक का सा शुद्ध नी शुद्ध ध प तीव्र म शुद्ध ग शुद्ध रे उसके बाद स। ये आपका अवरोह हुआ। फिर से देखिएगा, सा अवरोह देखिए, अवरोह सा शुद्ध नी शुद्ध ध प तीव्र म शुद्ध ग शुद्ध रे स। तो ये हुआ आरोह और अवरोह। अब बात करते हैं हम पकड़ की, इस राग में पकड़ में कौन कौन सा सुर लगता है इसको भी ध्यान से देखिएगा। पकड़ में आपका जो मंद्र सप्तक का शुद्ध नी है,
सबसे पहले वो लगेगा नी, ये देखिए ये हमारा सा है, इसके बगल में बाजू में ये जो लेफ्ट साइड में जो ये जो पड़ा है ये शुद्ध नी इसको बोलते हैं। तो ये मंद सप्तक का ये हमारा नी है। तो पकड़ में क्या लगना है, मंद्र सप्तक का नी, शुद्ध रे, गा शुद्ध गा, उसके बाद रे सा, फिर प शुद्ध तीव्र मा, गा शुद्ध गा, रे सा, नी रे गा रे सा, नी रे गा रे सा, प मा गा रे सा, नी रे गा रे सा, प मा गा रे सा, नी रे गा रे सा, प मा गा रे सा। तो ये हुआ पकड़। पकड़ को फिर से ध्यान से देखिए, नी रे गा रे सा, ये जो नी लग रहा है ये मंद्र सप्तक का शुद्ध नी है। सा के बाजू में जस्ट बगल में है लेफ्ट साइड में, नी रे गा रे सा, प म ग रे सा। तो ध्यान दीजिएगा, मंद्र सप्तक का शुद्ध नी, उसके बाद शुद्ध रे, नी रे, शुद्ध गा, फिर शुद्ध रे, फिर सा, नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा, पा के बाद तीव्र मा है, फिर शुद्ध गा है, फिर शुद्ध रे है, तब सा है। ये हुआ पकड़। बहुत आसान है ये, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप आरोह देखिए ठीक से, सा शुद्ध रे, शुद्ध गा तीव्र मा, प शुद्ध धा, शुद्ध नी, तार सप्तक का सा, ये हुआ आपका आरोह। अब इसका अवरोह वापसी, तार सप्तक का सा, शुद्ध नी, उसके बाद शुद्ध धा, प तीव्र मा, शुद्ध गा, शुद्ध रे, सा, ये हुआ अवरोह। आरोह सा शुद्ध रे, शुद्ध गा तीव्र मा, प शुद्ध धा, शुद्ध नी, तार सप्तक का सा, ये हुआ आरोह। अवरोह वापसी, तार सप्तक का सा, शुद्ध नी, शुद्ध धा, प तीव्र मा, शुद्ध गा, शुद्ध रे, सा, ये हो गया आपका आरोह अवरोह। और पकड़ एक बार फिर से देख लीजिए, सा के जस्ट बगल में जो रीड पड़ा है वो है मंद्र सप्तक का नी है, सा के जस्ट बगल में है ये। तो नी रे गा रे सा, नी रे गा रे सा, नी रे गा रे सा, ये हुआ पकड़। नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा, नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा, ये आपका पकड़ बजेगा। नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा, ये आपका पकड़ हुआ। तो ये राग यमन का ये पकड़ है और आरोह अवरोह है। एक बार फिर से देखिए, आरोह राग यमन, सा शुद्ध रे, शुद्ध गा तीव्र मा, प शुद्ध धा,
शुद्ध नी तार सप्तक का स, ये हुआ आरोह। अब आइए अवरोह यानी वापसी। तार सप्तक का स, शुद्ध नी, शुद्ध ध, प, तीव्र मा, शुद्ध ग, शुद्ध रे, स, ये हुआ अवरोह वापसी। अब बात करते हैं पकड़ की, तो फिर से देखिएगा सा के बगल में ये रीड पड़ा है, ये नी है और ये मंद सप्तक का नी कहलाएगा, इसलिए पकड़ में नी रे ग रे सा ये लगेगा। नी रे ग रे सा, प मा ग रे सा, इसमें भी पकड़ में भी जो सुर लगा वो सारे सुर शुद्ध हैं, केवल माँ को छोड़ के माँ तीव्र लगा हुआ है। ये देखिए नी रे ग रे सा, प मा ग रे सा, ये इसका पकड़ हो गया। और आपकी सुविधा के लिए हमने कागज़ में लिख भी दिया है, ये देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राग यमन आरोह में सा रे ग म प ध नी सा, तो ये जो बिंदी पड़ा है ये तार सप्तक में ऐसा निशान लगता है। उसके बाद इसका वापसी आरोह अवरोह सा नी ध प म ग रे सा, ये इसका अवरोह हुआ। अब देखिए इसका पकड़ नी रे ग रे सा प म, ये देखिए म तीव्र म है, इसमें हमने एक छूट हमसे छूट गया है, आपको मैं बता देता हूँ। तो तीव्र म का पहचान ये होता है कि इसके म के ऊपर में ऐसा निशान लगा रहता है, ये देखिए ये नी रे ग रे सा प म ग रे सा, ये पकड़ हुआ। और वैसे तो इस राग को कभी भी गाएंगे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन इसको अगर समय पे गाया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसका टाइम भी लिख दिया है, इस राग को कब गाते हैं या बजाते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है। 7 से 7 बजे शाम से लेके 9 बजे रात तक इसको गाइएगा तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो एक बार मैं फिर इसको मैं बजा देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस राग यमन राग का गाना आपको मैं सुनाता हूँ। जैसे मान लीजिए यमन का ही गाना है, तो हमने आपको बजा के भी दिखा दिया है, और आप भी इस राग को बजाइए। और जब भी बजाइए तो इसको 7 बजे शाम को 7 से 8 9 बजे तक इसको बजाइए, बहुत प्यारा लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप मेरा वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा।